हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड फाइनली काफ़ी दिनों बाद मैं अपना व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड क्योंकि आप मेरे आईज देख सकते हो, मेरे आई के पास जो स्टाई था उसका छोटा सा सर्जरी हुआ था, जिसकी वजह से मैं मम्मी के घर पर थी, इसीलिए डेली वीडियोस नहीं आ रही थी। इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आएंगे। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज है मेरे सिस्टर इन लॉ का बर्थडे और मुझे जाना है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ थी, मुझे थोड़ा सा काम था। हस्बैंड ने न्यू बाइक ली थी, उसका ही पेपर वर्क था, तो मुझे बैंक जाना है, देन उसके बाद शोरूम जाना है, देन उसके बाद हॉस्पिटल में आई के लिए चेकअप के लिए जाना है, देन उसके बाद आकर रेडी होकर जाना है सिस्टर इन लॉ के बर्थडे पर। तो बेसिकली आज होने वाला है बर्थडे व्लॉग। मैं बाहर का कोई भी शूट नहीं करूँगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, बच्चे गए हुए स्कूल और वो लोग आए तक मैं जाकर आ भी जाऊँगी। तो बस यही कहना था। एंड प्लीज़ प्रे फॉर माय आईज़। काफ़ी हद तक सूजन जो है, स्वेलिंग जो है कम हो गई है, बट ये एक थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स रह गया है, वही मुझे बताने के लिए जाना है हॉस्पिटल डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। देन अभी मैं निकलने वाली थी, आई थॉट कि मैं इंट्रो शूट कर लूँ, क्योंकि आने के बाद जो कुछ भी होगा, जैसा भी डेकोरेशन होगा, वहाँ पर आपको बताऊँगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मैं जाकर आकर आपसे मिलती हूँ। सो गैस, फाइनली मैं आ गई थी। 4 या 5 बज रहे थे। बच्चे स्कूल से आने के बाद फ्रेश होकर नहा धोकर हम लोग आ गए थे यहाँ पर जेठानी के घर पर। और आप देख सकते हो पेस्टल की थीम थी, फिर मैंने यहाँ पर ये गार्लैंड बनाकर रेडी कर दिया था। और काफ़ी सिंपल एंड बहुत ही अच्छा वाला डेकोरेशन हम लोग ने किया था। तो लाइटिंग्स वगैरह ऑन कर दिए, कर्टेंस लगा दिए। इस बार हम लोग ने रेड वाइट कर्टेंस लगाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो साइड्स पर मरून कर्टेंस है एंड सेंटर में वाइट कर्टेंस रखे हैं। एंड इसके पीछे आपको इस तरह से चेंजिंग लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि ये काफ़ी ब्लिंकिंग लाइट काफ़ी प्यारी लगती हैं, एज़ यू कैन सी। फिर यहाँ पर बलून्स का गार्लैंड्स भी लगा लिया था। बहुत ही अच्छा वाला डेकोरेशन हुआ था। आप लोग बताएगा कि आपको ये वाला डेकोरेशन कैसा लगा। देन उसके बाद थोड़े थोड़े क्लिप्स ही मैंने लिए हैं। हैप्पी बर्थडे का ये रोज़ गोल्ड कलर का बैनर भी लगा दिया था। एंड साइड्स पर फ्लावर पॉट्स रख दिए, सेंटर टेबल रख दिया केक कटिंग के लिए, एंड केक टेबल को भी डेकोरेशन किया था। फिर उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे, बच्चे मैं सब लोग रेडी हो गए थे। एंड डिनर में चिकन बिरयानी और खीर थी, उसे मैंने शूट करना मैं भूल गई थी। एंड देन उसके बाद मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हम लोग ने लिए, वीडियोस बनाए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अलीशा मैडम के फ़ोटोज़। एंड आपको यहाँ पर मैं बता रही थी फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है डेकोरेशन का, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड हम सब लोग ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। देन इसके बाद मेरे सिस्टर इन लॉ जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे एंड उन्हें काफ़ी अच्छा लगा ये वाला सरप्राइज। एंड उसके बाद मैंने थोड़े वीडियोस बनाए स्नैपचैट पर। एंड एक अगर आपने अभी तक मुझे स्नैपचैट पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। मेरा स्नैपचैट आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। होप आपको लोग पसंद आएगा। स्नैपचैट सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में।